फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ एक मॉडल और मॉडल के साथ उसी कंसेप्ट को भी समझेंगे जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और आपकी स्क्रीन में यहाँ एक इमेज लगी हुई है फ्रेंड्स, जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कह सकते हैं, ये देखिएगा। और इसी वायरस का मॉडल हमने यहाँ बनाया है और इसको मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा मॉडल कुछ इस तरह देखने में लग रहा है। ये देखिएगा, ऊपर से मैंने इसको शूट किया है फ्रेंड्स। बैक्टीरियोफेज जो होता है एक तरह से वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। और फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले 1915 और 1917 के अंदर एफ टीवॉट एंड एफ डी हैरेले ने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया था, ये देखिएगा। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ करूँगा बीच में, और उसको हम फ्रेंड्स कैप्सिड हेड कहते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा है बेसमेंट इसका, जिसको हम टेल फाइबर कहते हैं। और इसको कुछ इस तरह से मॉडल में सेटअप किया है सो दैट एक स्ट्रेंथ जो है पूरे मॉडल को मिले। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस मॉडल के अंदर ये जो टेल है जिसको हम टेल फाइबर कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा है, और टेल के ऊपर स्पाइक लगे हुए हैं और एक बेस प्लेट भी लगी हुई है। बिल्कुल इस स्क्रीन की जो इमेज है बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता ये मॉडल है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको हम टेल कह सकते हैं। और इसके अंदर कॉलर और शीथ नाम के टर्म्स लगे हुए हैं, टर्म्स मैं कह सकता हूँ इनको। मॉडल के अंदर भी ऐसे ही ये सेटअप दिखाया गया है, ये देखिएगा। और ये बिल्कुल ये मॉडल फ्रेंड्स एक टैडपोल की तरह है, एक छोटा मेंढक का बच्चा होता है, नीचे से मकड़ी के जाल की तरह नीचे वाला हिस्सा है, ये देखिएगा। इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और इसको इन्फेक्ट कैसे करता है वो भी बताता चलूँ आपको। ये होस्ट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटीरियल को इंसर्ट कर देता है। क्या करता है? होस्ट सेल को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है। और जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे कि बैक्टीरियोफेज जो है वो किसी भी होस्ट सेल के अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स का भी यूज़ कर लेता है। और ये देखिएगा, मॉडल का जो बीच का हिस्सा है, ये प्रोटीन वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर आपको, ये वाला हिस्सा प्रोटीन, और ये हेड बोलते हैं इसको, डीएनए वाला हिस्सा है फ्रेंड्स। इसकी जो कंपोजिशन है मॉडल में, और या यूं कहें बैक्टीरियोफेज वायरस में, ये दो तरह के कंपोनेंट को एग्जिस्ट करता है। नंबर वन है फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड और नंबर टू है प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज फ्रेंड्स आरएनए और डीएनए को कैरी आउट करता है, ये देखिएगा। और एक और बात है फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये होस्ट बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जो प्रोटीन है बैक्टीरियोफेज में, जो प्रोटीन होता है वो फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी होस्ट बैक्टीरिया को बाइंड अप करने में और ट्रांसफ़र करने में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक मटीरियल्स को। ये देखिएगा मॉडल फ्रेंड्स। यहाँ मैं बैक्टीरियोफेज वायरस की मॉर्फोलॉजी, या यूँ कहें उसके स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी आपके सामने इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होगा, जो जिसको हम हेड बोलते हैं, और इसी के अंदर डीएनए और इंटरनल कुछ प्रोटीन आरएनए वगैरह रहते हैं। और यहाँ जो नेक वाला हिस्सा है उसके नीचे वाला हिस्सा, और उससे नीचे फ्रेंड्स टेल शीथ बोलते हैं, फिर से समझ लेते हैं एक बार। और नीचे वाला हिस्सा है एंड फाइबर, और ये टेल फाइबर वगैरह, ये देखिएगा ये वाला हिस्सा। और आपकी स्क्रीन में ऐसा ही मॉडल भी हमने ऐसे स्क्रीन से बिल्कुल मिलता जुलता इमेज से हमने मॉडल बनाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ
ये जो आपने कभी कभी क्वेश्चन सुना होगा कि गंगा का पानी जो होता है वो काफ़ी देर तक प्योर क्यों रहता है, तो उसका एक आंसर बनता है कि इसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज वायरस रहता है जो कि पानी के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, एक तरह से एनगल्फ कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज का ये काफ़ी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियोफेज जो रिप्रोडक्शन करता है उसको हम रेप्लिकेशन साइकिल कहते हैं। और जनरली फ्रेंड्स, ये रेप्लिकेशन जो होती है ये लाइटिक साइकिल और लीजोजेनिक साइकिल के थ्रू होती है। और फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।